नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं। 5 मिनट में देश और दुनिया की 25 बड़ी खबरें। पेट्रोलियम पदार्थ पर निर्भरता और वायु प्रदूषण घटाने की कवायद तेज, सड़कों पर दौड़ेगी हाइड्रोजन बसें। सुप्रीम कोर्ट से बोले फेसबुक उपाध्यक्ष अजीत मोहन, खामोश रहने का अधिकार वर्तमान दौर में सबसे ठीक। पीएम मोदी ने कहा बिजनेस करना सरकार का काम नहीं, कुछ पीएसयूएस को छोड़कर सबका करेंगे निजीकरण। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने से बिहार में और महंगाई का डर, ट्रांसपोर्ट ने 20% माल भाड़ा बढ़ाने की दी चेतावनी। चुनाव से पहले विपक्ष को जवाब देगी भाजपा, केंद्र के फैसलों और किसानों के मुद्दे पर करेगी ताबड़तोड़ बैठकें। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 27 को वाराणसी में रविदास मंदिर में टेकेंगे मत्था। सत्ताईस फरवरी को वाराणसी आएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, संत रविदास जयंती पर जन्म स्थल पर जाएंगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले लाल टोपी से क्यों डरते हैं, सीएम उनकी भी तो ऐसी कई तस्वीरें। उत्तर प्रदेश के उरई में जहरीली शराब पीने से दो की मौत, डीएमएसपी ने की छापेमारी। हाईकोर्ट का राज्य सरकार से सवाल, सार्वजनिक मार्गों पर बने धर्मस्थलों को हटाने के लिए क्या किया। चीन की हड़ताल पर भारत की नजर, फिंगर एरिया में अब ड्रोन नहीं कर पाएगा कोई गुस्ताखी, सेना रही हाईटेक निगरानी पर। अमेरिका में हुए साइबर घुसपैठ को लेकर रूस घेरे में है, तकनीकी कंपनियों ने लगाया आरोप। जो बाइडेन ने पलटा ट्रंप का फैसला, अमेरिकी नागरिकता परीक्षा की नीति में किया गया बदलाव। ईरान में क्रूरता की सारी हदें पर, हार्ट अटैक से मौत होने के बाद भी महिला के शव को दी फांसी। मॉरिशियस में बोले जयशंकर, कहा भारतीयों प्रवासियों से कहा ऐसा लग रहा है कि जैसे कि घर आ गया हूं। गृहमंत्री अमित शाह की चाहत, दोहरा शतक लगाकर डे नाइट टेस्ट मैच में जीत दिलाए चेतेश्वर पुजारा। बेहद खास साबित हुआ ईशांत शर्मा के लिए 100वां टेस्ट मैच, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और गृहमंत्री अमित शाह ने किया सम्मानित। नरेंद्र मोदी के नाम से जाना जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया उद्घाटन। भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से क्रिकेट शुरू किए जाने को लेकर गौतम गंभीर ने दी तीखी प्रतिक्रिया, बोले क्रिकेट और आतंकवाद साथ साथ नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि देश की खेल सिटी के रूप में उभरेगा अहमदाबाद। आतिया शेट्टी के हॉट लुक पर कथित बॉयफ्रेंड केएल राहुल ने दिया रिएक्शन, अनिल कपूर ने की एक्ट्रेस की तारीफ। सरदूल सिकंदर के निधन पर भावुक हुए कपिल शर्मा, बोले कभी सोचा नहीं था कि वो हमारी आखिरी मुलाकात होगी। काला हिरण शिकार केस में कोर्ट ने सलमान खान की पेशी से छूट की याचिका को किया स्वीकार, 11 मार्च को होगी सुनवाई। बिग बॉस 14 खत्म होने के बाद अली गोनी ने जैस्मिन भसन संग शेयर की फोटो, कहा यह प्यार की जीत है।
अजीबोगरीब ड्रेस की वजह से ट्रोल हो गई प्रियंका चोपड़ा। एक्ट्रेस ने खुद मीम शेयर किया, कर किया एंजॉय। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपका ही मजा आएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।